अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाई स्पेसिफिक हीट। देखिए, हाई स्पेसिफिक हीट इस तरह की हीट जो कि थोड़ा सा टेम्परेचर यानी कि पानी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए चाहिए होती है, उसको सिंपली हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। और वाटर की जो है हाई स्पेसिफिक हीट जो है बहुत ही हाई होती है, और इसी वजह से जो है वाटर को जो है हाई स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है टू गेट वार्म अप, यानी कि गर्म होने के लिए जो है वाटर को हाई हीट चाहिए होती है। और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से जो है वाटर को हायर किया जाता है ऐसा टेम्परेचर स्टेबलाइजर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन इस तरह की हीट होती है जो कि वाटर की लिक्विड फॉर्म को वेपर्स फॉर्म के अंदर या फिर वेपर्स फेस के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। इस तरह की हीट को कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर की जो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है हाई होती है, और वो है 574 कैलोरीज पर केजी। और यही प्रॉपर्टी जो है वाटर को स्टेबिलिटी देती है, और ये जो है हेल्प करती है थर्मोरेगुलेशन में, थर्मोरेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, अल्लाह हाफिज़।